हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए और यूनिक वीडियो लेकर के आया हूँ। ऐसे मैं वीडियो कम ही डाल रहा हूँ आजकल, मैं शॉर्ट्स ही ज़्यादा डाल रहा हूँ। फिर भी मुझे लगा कि मैं आज आप लोगों को कुछ नया बता पाऊँ। नया नहीं, पुराना ही है लेकिन कुछ नए तरीके से है। आप लोगों को पता है कि फेसबुक की तरफ से, मेटा की तरफ से जो एक व्यू पॉइंट नाम करके एक प्रोग्राम चला है, जिसमें आपको 3 दिनों के अंदर कुछ डाटा आपको प्रोग्रेस करना पड़ता है, जिससे आपको रिवार्ड्स के तौर पे पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि ये एक तरह से इनविटेशन पर ही डिपेंड करता है कि आप रजिस्टर करो, उसके बाद जब आपकी बारी आएगी, वेट लिस्ट में रहोगे आप, जब बारी आएगी तो आपको मेल आ जाएगा या नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप इस पर वर्क कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे कुछ नोटिफिकेशन हैं, देखिए मैंने इतने टास्क, मैंने बहुत दिन पहले ही इसे रजिस्टर किया था, उनके बाद मैं इसे छोड़ दिया था, देख सकते हैं आप, मैंने इसे छोड़ दिया था और फिर बाद में मैं इसे रेगुलर कर रहा हूँ। और इसकी अर्निंग भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरा आज का पॉइंट, आज जो पॉइंट था मैंने इसे अर्न कर लिया है और मैं इसे अपने रिवार्ड सेक्शन में जाकर के आपको दिखा सकता हूँ। मेरा अभी 515 पॉइंट्स हैं, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। देखिए देखिए, $3 का मैंने रिडीम किया, फिर $3 का रिडीम किया है, फिर $3 का रिडीम किया है, ऐसे ही करके मैंने अपने टारगेट्स पूरा किया है। अब रही बात रिडीम कैसे करना है, जब आप इस जगह से आप जब पॉइंट्स 1000 पॉइंट अर्न कर लेते हो, आप देख सकते हो 1000 पॉइंट्स पे $3 आपको मिलते हैं। यानी कि आगे भी कई चीज़ें हैं, देखिए 2000 पॉइंट पे $6 है, 3000 पॉइंट पे $9, इसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं, है ना। तो जब आप पॉइंट्स अर्न कर लेते हो तो आप उसके बाद इसे रिडीम जब करते हो, तो ये रिडीम किया हुआ रिवार्ड आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ला सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपने जिस आईडी से इसे लॉगिन किया है, ठीक उसी आईडी से आपको पर व्यू पर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, है ना। ये मेरा मेल आईडी है, पर WW रिवार्ड वेबसाइट पे आपको जाना होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं आप। ये है मेरा वेबसाइट जहाँ पे आप आओगे, तो यहाँ से आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से इसे लॉगिन कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, यहाँ पर कई ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी चीज़ शॉप कर सकते हो अपने गिफ्ट कार्ड के हिसाब से किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन मैं आपको कुछ हिस्ट्रीज दिखाना चाहूँगा जो मैंने किया है, और अपने अकाउंट पे इसे ऑर्डर हिस्ट्री में, ऑर्डर हिस्ट्री पे जाता हूँ मैं, ऑर्डर हिस्ट्री। देखिए अभी मेरे पास 0 पॉइंट्स है, देखिए 3 टाइम्स मैंने इसे रिडीम किया है। रिडीम देखिए, यहाँ दो तरीके, मतलब तरीके तो कई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अगर वो बैलेंस आपका पॉइंट बैलेंस आपको बैंक अकाउंट में अगर आप चाहिए, तो आप यहाँ से हर एक पॉइंट पर, जब आपके पास पॉइंट होगी तो आप यहाँ से पेपैल पे सर्च करने के बाद आप पेपैल पे जाओगे, यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए एक पॉइंट पर एक पेपैल होता है, देखिए 3 पॉइंट्स इक्वल टू 3 पेपैल बैलेंस होता है। जब आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ से रिडीम जब इसे करोगे, तो आप पेपैल के आप अपना जो पेपैल का आपका जिससे आपने पेपैल अकाउंट बनाया हुआ है उसके ईमेल आईडी को जब आप यहाँ पे इंटर करोगे, तो कुछ समय के बाद, देखिए कम से कम इसमें 7 डेज़ to 10 डेज़ का टाइम लगता है, और ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब रही बात पेपैल अकाउंट आप कैसे बना सकते हो, इसके लिए आप अगर आप चाहो तो मैं बहुत आसान सा तरीका आपको रेफर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कमेंट करने के बाद ही। मैं ऐसे भी बहुत कम ही अभी वीडियो बना रहा हूँ इंडिविजुअली, आप देख सकते हैं। ये मेरा पहली बार में तो $3 एक साथ ही आया था यहाँ भी, लेकिन उसके बाद लास्ट टाइम मैंने जब इसे विड्रॉ किया था तो इस साइट द्वारा 3 टाइम में $3 आया था। उसके बाद ये मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक रिडीम भी हो गया, आप देख सकते हो। ये
आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखा होगा, या कोई डाउट होगी तो आई होप सो कि आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको पेपैल अकाउंट को एक्टिव करना और उसे किस तरह से बनाना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच आपको हमारे चैनल पर आकर के हमारे वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। और एक चीज़ और, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाय, मिलते हैं।